लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, रुक जाओ, आहिस्ता आहिस्ता। ओह माय गॉड, आपने अभी गाड़ी चलाना सीखी है, इसके पास लाइसेंस वगैरह भी कुछ नहीं है। सर हरी, आपकी बेटी है, उसे लाइसेंस की क्या जरूरत है? दो चार आदमी मार भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इसको कहीं खुद को चोट ना लग जाए। बॉडीगार्ड साथ में है साहब। चल बादल, आज की बोनी यहीं से शुरू करते हैं। देखा मैम साहब, इसे चाबुक कहते हैं। इसका इस्तेमाल बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज इंसानों पे किया जाता है। इसका इस्तेमाल मैं भी जानती हूं। एक बार ये चाबुक मेरे हाथ लग जाए तो सारा जिस्म छन्नी छन्नी कर दूंगी। पीठ पे मारा है, सीने पे खाओगे। वाला बाग यहां, और रंग दो इस सफेद हवेली को, हम गरीबों के खून से।
बस्ती वालों, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। जिद मत करिए, अपनी हत्या इस टैंक के सामने टिक नहीं सकते। टिक नहीं सकते, लेकिन अपनी इस मिट्टी के लिए मिट तो सकते हैं। साइमन साहब, अंग्रेजी सरकार के पास कोई ऐसी तोप नहीं जो 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को खामोश कर सके। साइमन, ऑर्डर। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। एम एंड फायर। ये सब क्या हो रहा है? लेडी हेलेना, ये लोग बगावत कर रहे थे। बगावत क्यों? 24 घंटों का टाइम देने के बाद भी इन लोगों ने बस्ती खाली करने से इनकार कर दिया। लेडी, इस इनकार को आप बगावत कहते हैं? आपके पास बस्ती खाली करवाने के कोर्ट के ऑर्डर्स हैं? सारे मुल्क पर हमारा राज है कजन हेलेना। कौन सी जगह को तोड़कर उस पर क्या बनाना है, इसके लिए हमको ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है। जनरल डायर ठीक कहते हैं। आप इस शहर के मेयर हैं। मेयर शहर को बसाता है, उजाड़ता नहीं। आई बेग योर पार्डन लेडी हेलेना, शहर की गंदगी को दूर करना शहर को उजाड़ना नहीं होता। अगर गंदगी से आपको इतनी ही नफरत है तो इन गरीबों की बस्तियों को तोड़वा करने के लिए पक्के मकान बनवाते, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाते, बिना इलाज के जो ये घुट घुट के बेमौत मरते इनके लिए अस्पताल बनवाते, न कि इन हाथों पर बंदूक और तोप चलवाते। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं मैडम। हम तो इस बस्ती को तोड़कर यहाँ एक खूबसूरत जू बनाना चाहते हैं, जहाँ दुनिया भर के खूबसूरत जानवरों को लाकर रख सके। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इंसानों से दिल नहीं भरा तो जानवरों की आजादी को छीन कर उन्हें कैद करना चाहते हो, ताकि विलायत जाकर अपने लोगों से कह सको कि हिंदुस्तान का इंसान ही नहीं बल्कि उसका जानवर भी तुम्हारा गुलाम है, यही ना? बस ऐसे ही सरफिरे लोगों की वजह से हमारा ये देश तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन जब यहीं पर जू बनकर तैयार होगा तब यही नहीं मेयर साहब, नहीं, जब वो चिड़ियाघर बनकर तैयार होगा तो उसके बाहर एक तख्ती टांग दी जाएगी जिस पर लिखा होगा कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ऐसा लगता है तुम उसी आग के शोले हो जिसे बरसों पहले मैंने इसी जगह भड़कते देखा था। छोड़ दो इसे। मेयर हैरी, बस्ती वालों का जितना नुकसान हुआ है वो आप लोग अपनी जेब से भरेंगे, और इस लड़के के साथ अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो आपसे आपकी मेयर की कुर्सी छीन ली जाएगी। आज पहली बार पता चला कि सभी गोरों का दिल काला नहीं होता। मेम साहब, जो आज तक मैंने किसी अंग्रेज को नहीं किया वो आपको करता हूं। शुक्रिया। Thank you.
बोल बाबा बोल। बेटे इन लोगों ने मुझे शराब जबरदस्ती पिला दी। लीजिए साहब, डॉग भी आ गया, इंडियन भी आ गया, उसका घोड़ा भी अंदर आ गया। अगर तुम लोगों में से किसी ने अपनी मां का दूध पिया तो हम लोग को यहां से बाहर निकाल के दिखा दे। क्यों? कोई नहीं, कोई माई का लाल नहीं। अरे मां का दूध पिया हो तो ना, साले डब्बे का दूध पी पी के सब डब्बे बन गए। जो शराब पीता नहीं उसे शराब पिलाता है, देखें तेरी विलायती शराब में कितना दम है। नट बस, साला ये तो पानी से भी बदतर है। अब दिखाता हूं तेरे को हिंदुस्तानी शराब में कितना दम होता है। ये ले, एक बार इसे पिएगा ना बेटे तो इसका नशा कब्र में ही जाकर के उतरेगा। ये ले पी। हम हिंदुस्तानी शराब नहीं पीता है। क्यों भाई? हिंदुस्तानी खून पी सकता है, शराब नहीं पी सकता है? पी। आई बैंड मास्टर, बैंड चालू रखो नहीं तो इसका बैंड बजा दूंगा मैं। अरे कुत्ता, कुत्ता से बचा। किधर की औलाद? भाग के जाता है बे। ये कहाँ खाएगा मुझे? अरे मुझे 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। 435 रुपए निकाल। 435 देता हूँ बाबा, लो लो। चल चल निकाल। मुझे कुत्ते से भाग। ये लो, ये भी लो, सब ले लो। चलाने का टिकट, ये लो टिकट भी लो, मुझे सब बचा लो तुम। क्या है मोती, इधर क्या बोलता बे? पार्सल कर दूं क्या इसे? अरे अरे साइमन, कितना मर गया तू? अरे कहां कहां मर गए तुम लोग? क्यों साइमन बेटे, तेरे जनरल कार के साथ तेरा चवन्नी का राजा भी डूब रहा है, कूद के बचा ले उसे। चल बेटे चल, छोड़ इन कमीनों को, बहुत हो गया। You dirty swine! तुमको नहीं छोड़ूंगा डाका वाला। I'm still the boss around here.
बचाओ जब इसको। अपनी गोली जाया मत करो, इसे इसी दलदल में मरने दो। राजू! डरो नहीं राजू, अंदर तुम्हें सैकड़ों हिंदुस्तानी भाई मिलेंगे। मां के माथे पर लगा कलंक, कलंक नहीं इस मां के माथे का तिलक। मेरी तलवार जब भी उठी है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उठी है, लेकिन आज ये तलवार तो जैसे गद्दार की बलि चढ़ाने के लिए उठेगी। मेरे सर पर जब तक मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, लोहे की तलवार तो क्या आसमान से गिरने वाली बिजलियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। Bloody Indians. हत्थे पर वार नहीं करता, उठा तलवार। अब मालूम हुआ इंसान के जिस्म से खून निकलता है तो कैसा दर्द होता है? मर्द को दर्द नहीं होता। तुम्हारे सीने पर यह मर्द किसने लिखा है? एक मर्द के अलावा और कौन लिख सकता है? ये लो, ये मर्द का बच्चा भी नेहत्ते पे वार नहीं करता। क्यों, दर्द हुआ? दर्द तो कल हुआ था बेटे,
जब तुम अपने ही भाइयों के जिस्म से खून निकाल रहे थे? वो मैं नहीं, मेरे नकाब में कोई और होगा। मेरे बाप का नकाब पहनकर शक्ल तो ले ली उनकी, अब उनकी जबान भी बोलने लगे। खून चेहरे पर नकाब होता बेटे तो टूटता, उससे खून नहीं निकलता। इसका मतलब आप मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटे, लेकिन लड़ना इस तरह जारी रखो वरना दुश्मन को पता चल जाएगा हम एक दूसरे को पहचान चुके हैं। लेकिन अब मैं आप पर वार कैसे करूं पिताजी? करना ही होगा, मेरे जिस्म की हर बूंद जमीन पर गिरेगी, कहेगी जीते रहो बेटा। आशीर्वाद दो पिताजी। जीते रहो बेटे, आ बेटे। मैं
मिट्टी में नहीं बसना चाहता। जिस माटी के साथ तूने गद्दारी की, आज वही माटी तुझसे अपना हिसाब चुका रही है हैरी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेडी हेलना, एक और दुश्मन को इस दुनिया से उठाना। ये तो दांगा वाला नहीं, ये तो अपना डैनी है। डैनी साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो डैनी साहब। डैनी साहब, डैनी साहब, अरे डैनी साहब बचाओ मुझे, अरे बचाओ डैनी साहब। नहीं, मैं मर जाऊंगा डैनी साहब। अरे तूने जिंदा जला डाला, ये उन गरीबों के लिए जिनको तूने बेमौत मारा, ये मेरे बाप के लिए जिससे तूने बरसों चक्की चलवाई, मेरे माँ बाप पर तूने कोड़े बरसाए, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जिंदा। साले अंग्रेज की औलाद। रूबी, रूबी आजा, आजा रूबी, मुझे बचा लो राजू। कितने बचा, मुझे बचा लो राजू।